स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज थेरीज ऑफ ट्रांजिशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इनको सॉल्व करने में कोई परेशानी आती है तो आप मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं संयोजकता बंध सिद्धांत से रिलेटेड, ये 8वां लेक्चर है, तो आप पहले के 7 लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। साथ ही आप अपनी बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो संक्रमण धातु संकुल हैं उनमें चतुष्फलकीय संकुलों को एग्जाम्पल के साथ समझाना है। यहाँ आपको ये बताना है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या होते हैं। जैसे एक मेटल लिगेंड्स के साथ मिलकर के संकुल बनाता है। अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें समन्वय संख्या 4 है तो ये संभव है कि उसमें चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले कॉम्प्लेक्सेस भी बने और वर्गाकार समतलीय वाले कॉम्प्लेक्सेस भी बने। यहाँ आपको एक्सप्लेन करने हैं वो एग्जाम्पल्स जिनमें कि मेटल आयन लिगेंड के साथ, 4 लिगेंड्स के साथ मिलकर के चतुष्फलकीय संकुल बना रहा है। उनमें आप 2-3 एग्जाम्पल्स लीजिए और उनकी बॉन्डिंग जो है वो प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में एक्सप्लेन कीजिए। इसी के साथ आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन, वो तो पता ही है कि sp3 होगा, ज्यामिति और चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, ये भी आपको मेंशन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं, इनका संकरण और चुंबकीय गुण बताने हैं। तो यहाँ आप एक एक एग्जाम्पल लें। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रेफरेंस में पॉइंट्स बता रही हूँ। कोई भी एग्जाम्पल लेने के बाद आप सबसे पहले उस मेटल की, मेटल और मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए और उस ऑक्सीकरण अवस्था के बाद अब क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शेष रह जाता है वो लिखिए। इसके बाद में आप डी और एस और पी कक्षक बॉक्सेस में जैसे हम बनाते हैं वो सब लिख करके और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लिगेंड्स के साथ जो उपसंयोजक बंध वाला जो बॉन्डिंग है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वो शो कीजिए। कौन कौन से जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिलकर के संकरण में पार्टिसिपेट करेंगे और कौन सा संकरण वहाँ संभव होगा ये बताना है। और उसके बाद में उस कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय गुण आपको डिस्कस करने हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो चारों कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको इस तरह से डिटेल में करना है। इसके बाद में हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस और पोस्टुलेट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स हम पहले पढ़ चुके हैं और एप्लीकेशन का ये पार्ट है, मतलब है कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करके किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लाइक VBT के थ्रू हमें उसका संकरण पता चल सकता है, हमें उसके चुंबकीय गुण पता कर चल सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉइंट्स के अंदर इनको डिटेल में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ VBT, यानी कि हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कमियाँ हैं वो डिटेल में डिस्कस करनी है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर इसको रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस से आप क्या समझते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय संकुलों के रेफरेंस से आपको ये बताना है कि संकरण 2 तरह के होते हैं, D2SP3 जिस और SP3D2। D2SP3 संकरण में पेनल्टीमेट शेल के डी कक्षक 2 काम में आते हैं, जबकि SP3D2 यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में बाहर वाले डी कक्षक काम में आते हैं। इसके बाद आप एक एक दो दो एग्जांपल्स दोनों तरह के लेकर के उनकी बॉन्डिंग पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और किस तरह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ज्योमेट्री नेचुरली, अगर ऑक्टाहेड्रल की हम बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, लेकिन उनके चुंबकीय गुण जो हैं वो भिन्न भिन्न होंगे। इनर ऑर्बिटल के लिए चुंबकीय गुण आपको बताने हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इसी तरह आउटर ऑर्बिटल के लिए बताने हैं कि वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। तो आप इन
क्वेश्चन्स को सॉल्व कीजिए. थैंक यू.